हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आज हम बना रहे हैं खिचड़ी। और देखो मम्मी खिचड़ी बना रही है, तो खिचड़ी उसके लिए वो बाजरे को अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि कूटने के बाद उसमें राली निकलती है, उसको साफ़ कर रही है मम्मी। और ये हमारे फर्स्ट टाइम खिचड़ी बन रही है सर्दी की, क्योंकि दीपावली से पहले हमारे खिचड़ी नहीं बनती है नए अनाज की। उसी के बाद जब ये आ जाता है, क्या बोलते हैं, गोवर्धन आता है, उसमें अन्नकूट खाने के बाद खिचड़ी बनाई जाती है। तो हमारे फर्स्ट खिचड़ी बन रही है, और मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो इसलिए आज प्लान बन गया खिचड़ी बनाने का। तो खिचड़ी कूट रहे हैं। और मम्मी ने राली उतार दी है बाजरे की, और देखो कितनी सारी राली उतरी है इसकी। और ये साफ हो चुका है बाजरा, अब इसको कूटना ही है बस। और बाहर बच्चे खेल रहे थे पप्पी के साथ, सारे ही बच्चे लगे हुए हैं खेलने में ही, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पप्पी आए हुए हैं, चार पांच पप्पी हैं इधर। तो ये देखो दक्षिता कैसे पप्पी के साथ खेल रही है, कि छोटे बच्चों को चाव होता है पप्पी के साथ, कैसे खेलें कैसे ना खेलें। तो ये पप्पी के साथ खेल रही है, और देखो सारे बच्चे लगे हुए हैं, अंश परी आयु सब लगे हुए हैं। क्योंकि शाम का टाइम इतना अच्छा होता है कि उसमें सब बच्चे लगे हुए हैं। और इधर हमने छोटी सी बाड़ी बोई थी, तो ये वो भी दिखा रही हूँ मैं आपको। ये हमारा प्लॉट है, इसमें हमने थोड़ी सी बाड़ी बोई थी, ज़्यादा तो नहीं बोई थी, क्योंकि थोड़ी 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 बढ़ाएंगे। अभी तो थोड़ी सी ही स्टार्ट करिए। इसमें पालक डाला है और मेथी डाली है, तब हो जाएगा, तब भी दिखाऊंगी मैं आपको कि पालक मेथी हो चुका है हमारे। अभी तो सिर्फ डाला ही है, कल ही डाला था हमने। और यहाँ पूनम खिचड़ी कूटने में लगी हुई है। एक्चुअली मेरे हाथ जल गया था, इस वजह से मैं नहीं कूट पाई थी, और मुझे आती भी नहीं है इतनी कूटनी, पटाखे से मेरा हाथ जल गया था। और ये हमारी खिचड़ी कूट के हो चुकी है रेडी, और अब मैं खिचड़ी बनाऊंगी ये। और देखो कितनी सुंदर खिचड़ी कूटी है। इसको साइड में रख के अब मैं गैस के ऊपर पानी चढ़ा दूंगी। अब हल्का सा निवाया ही करूंगी, ज़्यादा गर्म नहीं। फिर उसके बाद इसमें मैं पहले ही मैंने दाल भिगो के रख दी थी, चावल भी डालूंगी मैं इसमें। और दाल मैंने पहले ही भिगो दी थी, मूंग और चने की दाल, तो ये हमारी अच्छे से हो चुकी थी। और मैं इसको डाल दूंगी अब वॉश करके अच्छे से। सबसे पहले दाल ही डालूंगी मैं। और ये दाल मैंने डाल दी है सारी। अभी ज़्यादा गर्म पानी नहीं हुआ था, और ज़्यादा गर्म पानी में तो डालूंगी भी नहीं मैं खिचड़ी, क्योंकि उसमें फिर गांठें पड़ जाती हैं। तो नॉर्मल मतलब गुनगुना सा हो जाएगा, उसके बाद ही इसमें मैं खिचड़ी ऐड कर दूंगी। और मैंने देखो खिचड़ी ऐड कर दी है सारी ही। अगर गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसमें और पानी ऐड कर दूंगी। और देखो हल्का हल्का सा ये गाढ़ी होने लग गई है खिचड़ी हमारी। और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो इसमें गांठें वगैरह हो जाती हैं। तो इसको हम जब तक इसमें उबाल सा ना आने लग जाए, जब तक इसको हम ऐसे ही कंटेनर चलाते रहेंगे, और फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर रेस्ट करेंगे।
और देखो हमारी दीदी से हमें हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती है। बेटा मैं खाना बना लूं? हाँ तो बोला करो मेरे को कि मैं खाना बना लूं। मैं खाना बना लूं? मैं टिफिन बना लूं। हर चीज की परमिशन आजकल हमें रिद्धि से ही लेनी पड़ती है, क्योंकि रिद्धि हमारी घर की हेड हो चुकी है, क्योंकि सबसे छोटा आजकल हेड होता है, तो रिद्धि हमारी हेड हो चुकी है। इसे पूछ के ही हमें सारे काम। मैं खिचड़ी बना लूं? काफ़ी डटोरे से भी बोलती है देखो। और लगभग मेरी खिचड़ी रेडी हो ही चुकी है, देखो कितना अच्छा कलर आया है। अभी टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आधी तो बन के रेडी हो चुकी है और आधी अभी बन जाएगी, तब मैं दिखाऊंगी, फिर लड्डू के भोग लगाऊंगी। और ये हमने फर्स्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सीजन की फर्स्ट खिचड़ी बनाई है, क्योंकि हमारे अन्नकूट से पहले खिचड़ी नहीं बनाते हैं। तो अब दीपावली चली गई है, गोवर्धन पे अन्नकूट हमने खा लिया है, और उसके बाद से अब हमारे हम कभी भी खिचड़ी बना के खा सकते हैं। तो हमारे देख कितना सुंदर कलर आया है, और यहाँ पे खिचड़ी बनके हो गई है रेडी। और मैं अब लड्डू के लिए खिचड़ी को ठंडा करूँगी कटोरी में, फिर लड्डू को भोग लगाऊँगी, और इसमें थोड़ा सा मीठा और घी डाल लेती है। और अब मैं लड्डू के इसमें घी डाल दूंगी, और फिर इसके बाद मीठा भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे खाते हैं हम खाते हैं, वैसे ही हमारा लड्डू खाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई है, और अब ये ठंडी हो चुकी है, और मैं और अब मैं लड्डू के भोग लगाऊंगी, मैं और ये हमारा लड्डू बैठा हुआ है अच्छे से, जोत पत्ती हो चुकी थी हमारी। थाली भर के लाई रखी चिड़ी पर घी की बात की, और लड्डू का हमारा भोग लग चुका है। और अभी हम सब खाएंगे इसको, मैं पूरी, और मेरी खिचड़ी बनके हो गई है रेडी। अब मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। जो लड्डू का भोग लगाया था वो मैंने खिचड़ी में ही ऐड कर दिया था। और बाय, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।